पलामू से एक बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम टला है। आपको बता दें 21 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम टल गया है, अब 22 अगस्त को यह कार्यक्रम होगा। मैया सम्मान योजना का यह कार्यक्रम है, 1 लाख से ज्यादा लाभुकों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पलामू, गढ़वा, लातेहार के लाभुक इसमें शामिल होंगे। जियांकी हवाई अड्डा मैदान में यह कार्यक्रम होना है, जो कि टल गया है। 21 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम अब 22 तारीख होगा, यानी कि एक दिन आगे कर दिया गया है इस कार्यक्रम को। मैया सम्मान योजना, जिसमें आपको बता दें 1 लाख से ज्यादा लाभुकों को लाभ मिलने वाला है। पलामू, गढ़वा, लातेहार के लाभुक इसमें शामिल होंगे। जियांकी हवाई अड्डा मैदान में यह कार्यक्रम होगा। और देखिए, कार्यक्रम की तैयारियों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है और इसमें जो लाभुक होंगे वो बैठेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल, देखिए, कहा जा रहा है कि सीएम का कार्यक्रम 21 तारीख को होने वाला 22 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है, पूरी जानकारी दीजिए, इसके पीछे क्या वजह है? जी, आपको बता दूं कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डा में 21 अगस्त को ये कार्यक्रम था, जिसमें कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को लाभ देना था। लेकिन चूंकि जिला प्रशासन ने आज नोटिस मीडिया को सबमिट किया है कि अपरिहार कारणों से ये कार्यक्रम रद्द किया गया है और 22 तारीख को ये कार्यक्रम स्टैंड कर रहा है। आपको बता दूं कि वो SC ST का जो झारखंड पूरा देश बंदी जो घोषणा किया गया है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि ये स्थगित किया गया है, क्योंकि कई संगठन के लोग जो बंद कराए वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किया था और अपील किया था कि कल बंदी को सफल बनाने के लिए सहयोग करे, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो फिलहाल जो प्रशासनिक जो लेटर जारी किया गया उसके माध्यम से जानकारी मिली है कि कल का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया है और वो 22 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और लाभुकों के बीच वो संबोधन करेंगे और मैया सम्मान योजना का लाभ देंगे। जी नीलकमल, और कहाँ कहाँ के लाभुक जो है इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, ये प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें कि पलामू, गढ़वा, लातेहार के लाभुक हैं। पलामू की अगर हम बात करें तो 2,80,000 यहाँ टारगेट था, जिसमें कि 2,60,000 लाभुक को चयन किया जा चुका है। वो उनमें से कई ऐसे लाभुक हैं जिनका ऑनलाइन भी कर दिया गया है, जिन्हें उस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें उसका लाभ दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है, प्रमंडलीय तैयारी यहाँ पे की गई है, सभी अलग अलग प्रखंडों से वाहनों को ये वाहन के माध्यम से लाभुकों को लाया जाएगा, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। पलामू, गढ़वा, लातेहार के जो अधिकारी हैं लगातार कार्यक्रम स्थल पे जमे हुए हैं और इसको लेकर के प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए नीलकमल।